अभी हमने देखिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम आते हैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहला हमने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो वो प्लांट्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन इंसेक्ट। अब ये इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि एक प्लांट इंसेक्ट को कैसे खाएगा। सो अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें इनकी जो लीव्स होती है वो पिक्चर की फॉर्म में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करी है, इसमें आप देख सकते हो कि लीव किस तरह की शेप की होती है। सो अब इसका जो टॉप पार्ट है वो लेड की तरह वर्क करता है। मतलब लेड क्या करती है, पिक्चर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। ओके सो अब इस पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। सो बेसिकली अगर इस तरह की आपके पास लीफ है तो जैसे ही यहाँ पे आगे कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो पिक्चर क्या करता है, उसे ओपन करता है और पिक्चर के अंदर जो हेयर है तो इंसेक्ट वहां पे ट्रैप हो जाता है और फिर वो उसकी लेड को क्लोज कर देता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट है वो पिक्चर के अंदर तक पहुंच गया। अब जब वो अंदर पहुंच जाता है, आफ्टर कैप्चर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। जैसे ही वो इंसेक्ट को पूरा अंदर ले लेते हैं तो वहां से अब एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है जिसकी हेल्प से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये वो प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दो प्लांट है यहाँ पे, एक है जो डिपेंडेंट है करेक्ट, और एक है जिस पर डिपेंडेंट है। एक प्लांट है मतलब जो जो फूड है वो बना सकता है। अब जो बना सकता है वो होता है होस्ट, और जो उस पे डिपेंडेंट है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। मतलब जो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो है होस्ट और जो डिपेंडेंट है वो है पैरासाइट। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, थर्ड नंबर पे आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डिकेइंग फूड पे सर्वाइव करते हैं। कोई डिकेइंग फूड पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, देखो अब इसका प्रोसेस क्या होता है। सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड मैटर। सबसे पहले ये क्या करते हैं, किसी भी डेड मैटर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ब्रेड का, अगर ब्रेड पीस आपने ऐसे ही रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद वो डेड हो गया, तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। और जब वहां पे डाइजेस्टिव जूस वो सिक्रीट करते हैं तो जूस कन्वर्ट्स द मैटर इनटू सॉल्यूशन। अब वो जो मैटर है जिसके ऊपर, जैसे अगर वो एग्जांपल हम ब्रेड का ले रहे हैं, सो उसपे जब उन्होंने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट किया तो वो अब उस मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं और इस तरह से सेप्रोट्रॉप सर्वाइव करते हैं। ओके लास्ट हमारे पास है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, टू प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था एल्गा और फंगस। तो अब एल्गा क्या करते हैं, एल्गा में क्लोरोफिल होता है, तो अब इसमें क्लोरोफिल है तो ये फूड बना सकता है। सो ये प्रोवाइड करता है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न फंगस क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। ओके ऐसा वैसे भी होता है, अगर एक ट्री के भी जो रूट्स है वहां पे जो फंगस है, अब ट्री क्या करता है उसको फूड प्रोवाइड कर रहे, लेकिन फंगस क्या कर रहे हैं, वो रूट्स की हेल्प से वाटर और जो भी मिनरल्स वगैरह है वो ट्री तक पहुंचा रहे। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आपको कि पैरासिटिक जो प्लांट्स है और सिम्बायोटिक ये भी सेम है क्योंकि ये भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन द डिफरेंस इज यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट पैरासिटिक में सिर्फ जो पैरासिटिक है वो पैरासाइट है वो होस्ट पे डिपेंडेंट है, होस्ट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों आपस में डिपेंडेंट है, बट पैरासिटिक प्लांट्स में सिर्फ एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट। ओके सो ये चार है हमारे पास अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये कहाँ होंगे, जिन लीव्स में या जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो फिर इनमें से किसी मोड पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।